नमस्कार आप सभी लोगों का। पिछले कुछ दिनों से मैं इस चैनल पर एक्टिवेट नहीं हूँ, तो इसी रीज़न से काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए, कमेंट्स भी आए कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। तो आज आपसे कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। मेरा वीडियो ना डालने का रीज़न ये था कि इस कोविड में काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया है, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी अपने छोटे ब्रदर सुमित जैन, मेरे कज़न ब्रदर, मेरी बुआ का लड़का सुमित, इस कोविड के चलते वो हम लोगों को छोड़ के चले गए, सभी फैमिली मेंबर्स को। आपने मेरी इसी चैनल पे जीतू कुलचे वाली वीडियो में देखा होगा, मेरे साथ में थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2 महीने पहले ही मेरे साथ वीडियो शूट में गए थे, और अभी आगे और भी प्लानिंग थी वीडियो बनाने की साथ में। लेकिन उससे पहले 9 मई को हम सभी को ये पता लगा कि वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो आइए आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ, और उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें मैं आगे इस वीडियो में शेयर करूंगा। दिल्ली में जनकपुरी के अंदर माता चंदन देवी की हॉस्पिटल के अंदर 13 दिन तक एडमिट रहे, और उनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। मेरे बुआ जी फूफा जी ने हर तरह की कोशिश की, चंडीगढ़ से और पता नहीं कहां कहां से, गाज़ियाबाद से, हर एक चीज़ जो डॉक्टर ने मंगाई, हर चीज़ लाने की पूरी कोशिश करी और हर चीज़ मंगवाई। रेमेडीज फॉर इंजेक्शन हमने स्टार्टिंग में खूब पहले ट्राई किया, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। फिर फूफा जी ने, हर किसी ने अलग अलग जगह से खूब कोशिश करी मंगाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा था। फिर एक जगह से मिला, और वो भी ब्लैक के अंदर मिला। 50,000 रुपीज़ कॉस्टिंग रेमेडीज फॉर इंजेक्शन की। उसके बाद उन्होंने प्लाज्मा अरेंज करवाया, प्लाज्मा की कॉस्टिंग पड़ी 17,000। मतलब हर चीज़ की कालाबाजारी चल रही थी, कोई भी किसी को जान की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब है। हर इंसान पैसे बनाने की सोच रहा है, किसी को भी जान की कुछ परवाह ही नहीं है। ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे जा रहा था, और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया, वो भी चंडीगढ़ से मंगवाया, उसकी भी कॉस्टिंग 40,000 रुपीज़ पड़ी। किसी से भी कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट मंगवाओ, हर चीज़ अपनी कॉस्टिंग से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के लोग बेच रहे हैं। जान इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उनका पैसा कमाना। उनको अपना पैसे कमाने से मतलब है, किसी की जान उनके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि हमें डॉक्टर से पता लगा कि इन्फेक्शन के कारण उसके लंग्स 75% से ऊपर तक डैमेज हो चुके थे, और ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे जा रहा था। नॉर्मली पेशेंट्स को जब ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है तो 1 या 2 की स्पीड पर दी जाती है, लेकिन उनके लंग्स इतने डैमेज हो चुके थे कि 14 की स्पीड पर ऑक्सीजन सप्लाई देने के बाद भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, लेकिन असली दर्द तो उन्हीं को पता है कि उन्होंने अंतिम 13 दिन किस तरह से बिताए, कैसे बिताए। मात्र 29 साल की उम्र में उसने अपने पूरे परिवार को संभाल रखा था, अपना काम संभाल रखा था, और इतना नाम कमा रखा था कि अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसी, क्योंकि वो हर किसी के बुलाने में और हर किसी की मदद के लिए जब भी उसको कॉल करो, जब भी बुलाओ, उसी टाइम आ जाता था। बहुत ही हंसमुख नेचर का था मेरे भाई, हर किसी के साथ में हंसी मजाक करना, माहौल बनाना, जैसे छोटे बच्चे की तरह मस्ती मजाक करना, खेलना। पिछले साल भी लॉकडाउन में उसने कितने ही गरीब लोगों की हेल्प करी, गरीब लोगों की मदद करी ताकि वो उनके परिवार की रोटी चला सकें, गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाए, और भी हर किस्म की हेल्प करी गरीब लोगों की। लोगों की हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना नाम कमाया जो लोग बड़ी बड़ी उम्र तक भी नहीं कमा पाए। कई लोग जो सालों में भी इतना नाम नहीं कमा पाते, उसने 29 साल की उम्र में वो कर दिखाया। पूरी फैमिली की केयर टेकिंग करना, सबको संभाल के रखना, सबको अच्छे से रखना, घर के साथ साथ बाहर का तालमेल दोनों बराबर से अच्छे से दोनों तरह की भूमिका निभाना। इनका एक छोटा बच्चा भी है तुषार, वो भी सिर्फ 4.5 साल का। अब आगे मैं दिखाता हूँ कुछ तस्वीरें। Thank you.
तो ये थी उनसे जुड़ी कुछ यादें। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दो शब्द उनकी फैमिली के लिए ऐसे ज़रूर कहें जिनसे उनकी फैमिली को हिम्मत मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर उस ऐसे इंसान तक पहुँचाइए जो भी इस तरह की गलत कालाबाजारी का काम कर रहा है जिससे लोगों की जान जा रही है और जान खतरे में पड़ रही है। उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा आपने आगे ना करें किसी के साथ भी, जिससे किसी भाई बहन की किसी की भी जान जोखिम में डले। आपके थोड़े से लालच चक्कर में किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपके कुछ पैसों के लालच चक्कर में किसी भाई, किसी का बेटा, किसी के हस्बैंड की जान खतरे में जा सकती है, तो कृपया ऐसा काम कतई ना करें जिससे किसी की भी जान खतरे में पड़े। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कमेंट बॉक्स में जाकर दो शब्द ज़रूर लिखें ताकि उनके घर परिवार और सभी सदस्यों को हिम्मत मिल सके। आपके दो शब्द से किसी को हिम्मत मिल पाएगी।